बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चिकन कोरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ तकरीबन 1 kg से ज़्यादा जो है ये चिकन है। यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब, इस तरह के 4 चम्मच भर भर के घी लिया है। और अब उस घी में ये प्याज जो है तकरीबन 1 पाव के करीब है, यहाँ पे मैं ये शामिल कर रही हूँ। इसको ब्राउन करते हैं प्याज को। जी देखें, यहाँ पे प्याज जो है मैं शामिल करके इसको ब्राउन होती है प्याज। तो फिर आपसे आगे की रेसिपी शेयर करती हूँ। आपको कुरकुरी प्याज जो है वो, अगर प्याज आपको बहुत अच्छी सी ब्राउन हुई भी चाहिए तो इसमें आप थोड़ा सा नमक जो है वो स्प्रिंकल कर दें, तो आपकी प्याज जो है, ये टिप है, प्याज जो है वो बहुत अच्छे से जो होती है वो ब्राउन हो जाती है। जी देखिए, यहाँ पे जो है हमने प्याज जो है ये हम ब्राउन करके निकाल ली है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब जो है पिसी हुई लाल मिर्च ली है, और यहाँ पे पिसा हुआ धनिया लिया है, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब जो है नमक लिया है। यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ लहसुन अदरक लिया है हमने। और ये देखें, यहाँ हमने तेज़पात लिए, उनको धो लिया था। यहाँ इलायचियाँ जो हैं उनके देखें इस तरह से करके मुंह खोल लिए थे, 10 से 12 अदद जो है ये इसमें काली मिर्चें हैं और लौंग है, और 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा है। तो अब हम यहाँ पर जो है ये शामिल कर रहे हैं गरम मसाला। शामिल कर दिया है गरम मसाला। अब यहाँ पे हम जो है ये गोश्त शामिल कर रहे हैं चिकन का। ये देखिए, यहाँ पे जो है मैंने गरम मसाला तेज कर दे और जो है ये चिकन शामिल कर दी है। यहाँ पे लहसुन अदरक शामिल कर रहे हैं। थोड़ा सा लहसुन अदरक, थोड़ा सा हम इसको सौते कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ये सब मसाले जो है ये शामिल कर रहे हैं। और इसमें जो है हम तली हुई प्याज भी शामिल कर देते हैं ताकि ये सारी चीज़ें जो है एक साथ बन शामिल हो जाएं। तो देखें हमारा कितना अच्छा मज़ेदार दानेदार जो है वो कोरमा बनके तैयार होगा। तो आइए इसमें प्याज शामिल करते हैं। ये हमारी कितनी अच्छी सी अभी पक रही है। तो यहाँ पर हम ये प्याज जो है ये देखें, प्याज जो है ये हमने क्रश कर ली है, इसको पीसा नहीं है, इसको क्रश कर लिया है। ये शामिल कर देते हैं इसमें। तो देखें प्याज शामिल करिए। प्याज शामिल करने के बाद इसको जो है हम भूनते हैं, तो आगे की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। कोरमा कितना अच्छा सा ये देखें दानेदार बनके तैयार हुआ है। तो अगर आप किन किन शहरों से, किन किन मुल्कों से मुझे देख रहे हैं, तो देखिए ये कितना अच्छा सा हमारा दानेदार कोरमा बनके तैयार हुआ है चिकन का। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ज़रूर लाइक शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम केवड़ा एसेंस जो है वो शामिल कर रहे हैं ताकि हमारी इसमें कोरमे जैसे खुशबू आए। और ये देखें हमने केवड़ा एसेंस शामिल करा है, तो इसको अभी थोड़ी देर 5 मिनट के लिए जो है ढक देंगे, कर पकाएंगे ताकि ये इसमें अच्छी सी खुशबू आए। जी देखिए, यहाँ ये हमारा कितना अच्छा सा ये कोरमा बनके तैयार हुआ है चिकन का। देखें कितना दाने। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। आने वाली नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।